आइए। चांदनी सिंह कहाँ से आ रही हो? सर इलाहाबाद में रहती हूँ, बैंगलोर। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर जौनपुर। जौनपुर में कहाँ से? सही जलालपुर। जलालपुर, तो आप सारी एजुकेशन टी डी कॉलेज जौनपुर की है? सर इंटरमीडिएट कहाँ से? अच्छा, बाकी बच्चे इलाहाबाद की, राइट। So you did your post graduation in 2011 in philosophy, right? So ये आपका जो आपने plus two तक उससे लिया है शायद physics chemistry से, हैं? कर switch over कर लिया आपने फिर philosophy कर पा रहे हैं? कैसे, क्या interest रहा आपका? सर civil सेने का कुछ मन था उसी time से, तो इस वजह से मैंने arts के subject top किए। 2011 से अच्छा, इसमें आपने work है कौन से गोल्ड वाला क्या जी। ये मुस्लिम वाला जो है जी सर, मैं बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट मिला बताओ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर है। कहाँ पोस्टिंग आप किया? इलाहाबाद में। गुड, तो सालिनी ये बताओ कि तुमने प्रेफरेंस में फर्स्ट में डिग्री कलेक्टर रखा है, ठीक है, और सबसे लास्ट में आपने रखा है वाणिज्य कर। आप क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण में, वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, और वो कौन सा फैक्टर है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोक रहा है? एक उसमें बताइए किस होता है। सर आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार फैक्टर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, और महिलाओं को पीछे ले जाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आता है वो हमारा सोसाइटी का माइंडसेट, जो एक माइंडसेट सोसाइटी का चला आ रहा है, और उसमें पुरुष वर्ग जो है उसका भी माइंडसेट और साथ में महिला वर्ग का भी माइंडसेट, उनकी उनका पालन पोषण और इस तरीके से होता है कि वो जो पैट्रियार्की माइंडसेट एक बना हुआ है उसी में वो भी ढल गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे ले जाने के लिए एक फैक्टर हूँ। हम उन्हें अधिकार दे भी देते हैं तो वो लेना पूरी तरीके से उसको लेने के लिए आगे नहीं आ पा रही हूँ, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी का जो सेटअप है जी, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात है, उसमें पॉलिटिशियंस का कोई रोल है? आपको ऐसा लगता है वीमेन एम्पावरमेंट में इसको एक मुकाम तक ले जाने से रोकने में, या इसको जो पर्दे पर कहने की बात कुछ और होती है, पर्दे के पीछे कहने की बात कुछ और होती है, ऐसा कुछ लगता है? सिर्फ कुछ हद तक मुझे लगता है कि है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पूरे हद तक क्या नहीं, कुछ पूरे हद तक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, मतलब आई थिंक सिर्फ पॉलिटिकल सेटअप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी चीज़ के लिए कोई सिस्टम पूरी तौर पर जिम्मेदार नहीं होता किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक अगर 50% से क्रॉस कर गया तो आप ये मान के चलिए कि डोमिनेटिंग रोल में आ गया वो जी। अगर किसी चीज़ में, किसी भी सिस्टम में 70% या 60% लोग बेईमान हैं तो आप ये समझिए कि वो हमेशा डोमिनेट करेंगे, ये तो आप मानते हैं। यस सर, बट आई डोंट थिंक सर कि 50% से ज़्यादा वो फैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि पॉलिटिकल जो आप मतलब मुझे आप एग्जांपल देके बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जौनपुर, किसी एक महिला आईपीएस अफसर का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में जिसको डीजीपी बनाया गया, और किसी महिला आईएएस अफसर का नाम बताइए जो चीफ सेक्रेटरी बनाई गई। नाम सुना कभी आपने किसी ऐसे महिला का या किसी ऐसे पुरुष का, किसी ऐसी महिला का जो पुलिस में जिसको डीजीपी बनाया गया हो? यूपी से नहीं बनाया गया। अब इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? वैसे आपने कहा ना कि भाई वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आदमियों के माइंडसेट की बात आपने कही, जिस आदमियों के माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव में तो ये आप मान के चलिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्राम प्रधान हो जाते हैं और बेचारे उनको मतलब प्रोजेक्ट कर देते हैं और पीछे से वो उसको रिमोट से चलाते हैं,
लेकिन सिस्टम का जो इंटीग्रल पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी महिलाएं हैं जिनको जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको जिले का एसएससी बनाया जा रहा है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको डीजीपी या वो बनाया जा रहा है, क्या इसमें क्या क्या फैक्टर ऐसा है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है जबकि इतनी लड़कियाँ खूब पढ़ रही हैं, मतलब आओ स्कूल चलें, साक्षर बने तमाम तरह के हर स्टेट्स में। ये जो इन पदों की बात हो रही है ये एक लेवल पे पहुंचने की बात आ चुकी है, वहाँ पहुंच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सोसाइटी ग्रो कर रही है, धीरे धीरे महिलाएं आगे आ रही हैं, तो आगे आने वाले कुछ समय में ये बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी कि किसी डीजीपी की पोस्ट पे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे महिलाएं ज़्यादा हों, ये अलग बात है कि मुझे लगता है अभी तक वो उतना ग्रोथ नहीं हो पाया था जिसकी वजह से अभी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में पहुँचेंगे। नहीं, आने वाले समय की बात आप क्यों कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ भाई, हु हैज सीन द फ्यूचर, कल किसने देखा है, कल हो ना हो, आज की बात करिए, कल की बात किसने करी आपसे, अभी एम्पावरमेंट आज की तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, व्हाई नॉट टुमारो, फ्यूचर ये सब्जेक्ट फ्यूचरोलॉजी जो कल है वो भविष्य का विषय है और भविष्य के बारे में मैंने आपको बताया, मुझे बताया कल हो सकता है भविष्य ने क्या चीज़ आपके लिए छिपा के रखा हो और अचानक निकाल के रख दे, ये तो ना आप जानते हैं, हम जानते हैं, ना कोई ज्योतिषी भी नहीं जानता है। आज बताइए आप, आज बहुत सी महिलाएं हैं, दे आर होल्डिंग ए वेरी सीनियर पोजिशन, बहुत अच्छी आई एस साहब, लेकिन उनको मतलब सीनियर पोजिशन पर नहीं लगाया जाता है, उनको सेक्रेटरी में रखा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ, आपने लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुना है, वो जब संसद में भाषण देते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब महिला सशक्तिकरण का बिल आता है तो वो उसका विरोध करते हैं, आरक्षण की जब बात आती है तो उसका विरोध करते हैं। पॉलिटिक्स प्रॉमिसेस आर मेड टू बी फॉरगॉटन, उसमें जो बातें कही जाती हैं वो नहीं होती, और ये सारी जो टॉप रैंक की जो पोस्ट हैं इनको डील करने के लिए, उस पोजीशन तक लाने के लिए इस सिस्टम में द मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तमाम अच्छे पदों पर सब आदमी ही हैं, तो आदमी की मानसिकता आज भी वही है कि भाई जो महिला और पुरुष में सुपीरियर कौन है, चाहे आज के 50 साल बाद भी आप ये मान के चलिए कि चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें लेकिन जहाँ ह्यूमन फैक्टर है, जहाँ आदमी है, वहाँ हमेशा वो अपने को सुपीरियर मानेगा। आपके घर में ऐसा नहीं लगता कि भाई बच्चों लड़कों में और लड़कियों में कोई डिफ्रेंसिएशन होता है? नहीं देखा किसी और घर में देखा हो आपने? हाँ सर, सोसाइटी में है, ऐसा देखने को बहुत मिलता है, लेकिन स्पेशली मेरे यहाँ मैंने अपने घर में नहीं देखा है। कितने भाई बहन हैं आप लोगों से? हम लोग तीन बहन एक भाई। तीन बहन एक भाई, भाई छोटा होगा मेरे से, हैं, इसलिए आपको देखने को नहीं मिला, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन रीज़न क्या है कि सोसाइटी के बहुत बड़े पार्ट में एक जिसको लैंड शेयर कहते हैं उसमें ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं और इट इज़ ए सोशल ट्रामा। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी इसके शिकार हैं। ठीक, तो ये इट इज़ ए सोशल ट्रामा ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और एम्पावरमेंट का इससे बड़ा गहरा रिश्ता इसलिए है कि हम बातें बहुत करते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट की वो सारी चीज़ें, लेकिन जब किसी महिला को ऊपर उठाने की बात आती है तो सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है पुरुष साथी ऊपर होना चाहिए, वो महिला को दूसरे दर्जे पर रखा जाए, मतलब उसको सेकंड क्लास की सिटीजनशिप दी जाती है घरों में भी और बाहर। ठीक है, आप SDM बनना चाहती हैं, आप बताइए SDM बनने की कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो आपको बार बार रोज एक बार इस बात को सोचने को मजबूर करती है कि मुझे SDM बन जाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर, ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको कंपेयर करती होगी कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं बन जाती तो ये करके दिखाती? जैसे कोई क्रिकेट का बच्चा खिलाड़ी है, अच्छा खेल लेता है, उसको लगता है मैं अच्छा खेलता हूँ, उसको लगता है मुझे रणजी टीम में मुझे मौका मिल जाता है, नेशनल टीम में मौका मिलता है तो करके दिखाता। आपको क्या लगता है, क्या आप में ऐसा है कि आप वहाँ चले जाएंगे तो अच्छा करके दिखाएं? सर, एक तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड वर्क्स को एक साथ डील कर सकती हूँ मैं। अच्छा जी,
और सर एसडीएम ऐसी पोस्ट है, अभी मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ वहाँ एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है जी, तो सर लिमिटेड सेगमेंट है वो जी सर, और बाकी सेगमेंट्स को देख के मुझे लगता है कि सर अभी फिलहाल में भी मैं पढ़ाई फैमिली और जॉब बहुत सारी चीज़ें एक साथ डील कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डील कर सकती हूँ, डाइवर्सिफाइड वर्क को मैं डील कर सकती हूँ एक साथ। ये डील कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपके वो कौन सी काबिलियत है वो वही तो बताइए आप, डाइवर्सिफाइड को आप डील कर सकते हैं, वो तो कोई भी कह सकता है कि मैं डील कर लूँगा, मुझे एक बार पुलिस का डंडा दे दो मैं अभी थाने चला के दिखा दूँगा, वो एक अलग बात है, वो क्वालिटी बताइए ना कि वो कौन सी चीज़ आपके अंदर है, डाइवर्सिफाइड को आप डील कर, लेकिन वो कौन सा कैलिवर है जो डाइवर्सिफाइड को डील कर लेगा, वो कैलिवर बताइए अपना, क्या ऐसी भाई कोई क्वालिटी तो होगी आपके अंदर, अपनी क्वालिटी बताइए ना, डील कर लेना बेटे अलग बात है, आप वो क्वालिटी बताइए, तो क्या बेसिक इंग्रेडिएंट है जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होना चाहिए, बिल्कुल सीधे सवाल बना गया जी। सर मुझे लगता है कि सभी पक्षों को सुनना पहली बात, तो सारे पक्षों को सुन के उस पर सोच समझ के डिसीजन लेना, हो सकता है थोड़ा लेट हो डिसीजन लेने में, बट ज़्यादा लेट तो नहीं वो कर सकते, डिसीजन मेकिंग एक जो चीज़ है वो मुझे लगता है मेरी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी है। चलिए मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ आपके सामने, उसमें आप डिसीजन लेके दिखाइए, आप की पोस्टिंग आपके सबसे जिले आजमगढ़ में हो जाती है, क्योंकि जौनपुर में नहीं होगी, आप जौनपुर रहने वाली हैं और जौनपुर वेस्ट टीम और आजमगढ़ वेस्ट टीम में जाती है, आजमगढ़ सदर, आपको ये भी पता है कि आजमगढ़ में भी मुस्लिम है, जौनपुर में भी है, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है वहाँ, किसी बात को लेके कोई अफवाह फैलती है जैसा आजकल चल रहा है आपने अखबार में देखा, और चूँकि आप एसटीएम सदर हैं और आपको इमीडिएट भेजा जाता है पुलिस फोर्स के साथ कुप अप करके कि आप जाइए और देखिए क्या सिचुएशन है, और अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, आगे से भी भीड़ आ रही है और पीछे से भी भीड़ आ रही है, पुलिस फोर्स को आपने इंटीमेट किया लेकिन पुलिस पहुंची नहीं जी। और हड़बड़ी में आप अपना फोन भी बुलाएं, पहला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड रोल में आप अपने को मास्टरी बता रहे हैं, अब ऐसे में आप क्या करेंगे, निकलना होगा जी सर, अगर सर अगर मैं वहाँ से सेफ थोड़ी थोड़ी दूर पे ही, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं छोड़ के भाग जाऊँगी, लेकिन सेफली पहले वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वहाँ से तुरंत निकलूँगी नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, फिर किसी से हेल्प ले सकती हूँ, किसी का फ़ोन ले सकती हूँ, अनाउंस कर सकती हूँ शांति बनाए रखने के लिए, या फिर ये जो जब आपको ये पता है कि सामने से भी भीड़ आ रही है और पीछे से भी आ रही है, तो आपको निकल के कौन जाने देगा, आप कहीं निकल के बचा लेंगे, निकल के कौन आपको जाने देगा वहाँ से, ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप निकल के कैसे जाएंगे, इमीडिएट वहाँ पर आपकी गाड़ी पंचर हो गई और ड्राइवर जो है वो खड़ा है और वो आपकी तरफ देख रहा है, साहब बताइए क्या किया जाए, और भीड़ आगे से भी आ रही है पीछे से भी आ रही है, क्या करेंगे आप? तो सर मैं ड्राइवर को बोलूँगी कि ड्राइवर निकले वहाँ से, और कोशिश किसी भी तरीके से वो पहले वहाँ से निकले, और देन मेरे पास नहीं, आप मुझे बताइए आप निकलने की बात कैसे, मैं ये कह रहा हूँ सामने भीड़ है हजार आदमी की, पीछे हजार आदमी की भीड़ है, आप कहाँ से निकालेंगे उसको, वो जादू आपके पास से आप कह देंगे कि उड़ जाएगा वो, निकालेंगे कैसे उसको, भाई डाइवर्सिफाइड रोल में तो आ गया, सबसे पहली समस्या ये आ गई, आप गए और जाते एक घंटे के एक महीने के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया है, पहला एसिड टेस्ट है आपका, आपको पता है कि सरकारी नौकरी में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, उसी के आधार पर प्रमोशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और पहली एसीआर जो होती है आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रमोशन एंड कैरियर, एक से तीन, पहली दूसरी तीसरी, क्योंकि कुछ प्रोवेशन पीरियड का पहला होता है और बाकी जो है वो हमेशा आपकी लास्ट तक, जब आप सर्विस करेंगे रिटायरमेंट तक वो बहुत काउंट होगी, वो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई गड़बड़ हुआ तो मेरा सारा कैरियर इस पर हो जाएगा। Under these conditions, what you will do immediately? चलिए कोई बात नहीं, ये
सिचुएशन क्रिएट हुई थी डाइवर्सिफाइड की, वो ठीक है, यूपी का आदमी हमेशा पहला प्रयास उसका ये हुआ कि भाग के जान बचाए, क्योंकि अपनी जान पहले, देश और प्रदेश और शासन बाद में, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो पहला स्टेप है वो भागने का नहीं होना चाहिए, इट ये एस्केपिज्म है, और प्रशासन की ये बहुत बड़ी डिमेरिट है कि कोई अधिकारी ये कहता हो कि हम पहले अपनी जान बचा लेंगे। चाहे बेशक आप मौके पर भाग के जान बचा लेना, वो एक अलग बात है, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जब आप कहीं किसी के सामने कोई बात हो रही हो, चाहे आप कितने बेईमान हो, लेकिन जब आपको कहीं किसी डोमेन में बात करनी है तो आपको ये प्रूव करना है कि आई एम ऑनेस्ट मैन। और गवर्नमेंट सर्विस में जो पहली कंडीशन है वो क्या है, बताइए, आप गवर्नमेंट सर्विस में है ना, गवर्नमेंट सर्विस में जो पहली कंडीशन है इंटीग्रिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए, और सर्विस विदाउट सेल्फ, ये दो चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें जो आपने स्टेटमेंट दिया है दोनों को ये क्रॉस कर, ठीक है, वो ठीक है, आप भाग लीजिएगा तब की तब देखी जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मौके पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको यही कहना है कि मैं इमीडिएटली जो भी पासर्स हैं उनसे किसी से भी फ़ोन लेके और मैं इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपने जो बास हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको फ़ोन करूँगी कि सर ये सिचुएशन आई है और काइंडली सेंड द फोर्स एंड डू द नीडफुल एज यू कैन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद भी आएंगे, एसपी को भी लेके, जो भी वो कर सकते हैं, और आपको वहाँ खड़ा होके जो मॉब है उसको ये कहने की ज़रूरत है कि आप मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, भागने वाला काम वो तो मौके पर भाग जाना देखी जाएगी, लेकिन आपको कहना ये है कि आप मेरी बात सुनिए, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला फंडा ये है कि सरकार ने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा है कि आप भाग जाइए, अगर भागने के लिए भेजा होता तो सरकार आपकी ट्रेनिंग क्यों कराती, क्यों इतना पैसा खर्च करती, क्यों आपकी तैयारी कराती, 11 से आपकी तैयारी कर रही है मैं समझ रहा हूँ, 11 से ना 7 साल की तैयारी में आपने अगर यही सीखा कि भाग जाए और एस डी एम भी बनना चाहते हैं, ये जवाब ठीक नहीं है, आपको यही कहना है कि नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको कंट्रोल करने की। और जो पहली चीज़ वो है जिसको आप ये कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड नॉट डाइवर्सिफाइड, वो एक अलग केस है, वो तो आपके पोर्टफोलियो में तमाम चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो मेंटल अलर्टनेस, अगर दिमाग में ये स्टीरियोटाइप होगा कि भाग जाए तो फिर मेंटल अलर्टनेस कैसे होगी, तो चुस्त रखिए हमेशा दिमाग को, ठीक है। आपने कभी एयर शो पुराने देखा कि नहीं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उसमें एक सेकंड के फ्रैक्शन में भी क्रैश कर जाता है, और जब क्रैश करता है जो कोई पायलट मरता है तो बहुत कम लोगों को पता है 72 घंटे तक उस स्क्वाड्रन के पायलट्स की उड़ान भराई जाती है कि उनके मन में कोई डर पैदा ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा कोई फियर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, भाई जिंदगी है तो मरना भी ऐसी क्या बात है, भाई मौत आ गई तो कल आनी है, आएगी तो आएगी, दुनिया में तमाम लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये भाग के बचना, भाई हम सबसे पहले तो हम जिस समाज ने जिस देश ने हमें पैदा किया है पहली जिम्मेदारी तो हमारी उस देश के लिए है, दूसरी अपने लिए आती है, ठीक है। तो पहली प्रियॉरिटी जो है आपकी अपने स्टेट के लिए। अच्छा, एक सवाल का ही जवाब आप दीजिए कि किस चीज़ में इंटरेस्ट आपका है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट किस में आपका है, बहुत अच्छा सर, ऐसे तो मुझे डिशेस बनाना, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है खाली टाइम में जी सर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, तुमने ऑनेस्टली ये बात बताई कि खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई हॉबी बताइए, क्योंकि ये मतलब एक प्लेटफार्म पर जो है वो खाना बनाने वाला काम जो है भाई, उसमें तो कोई आदमी आपसे ये तो पूछेगा नहीं भाई जो खीर बनाई जाती है या जो कीमा या कबाब बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाएगा, आप उसकी प्रिपरेशन बताइए, कोई और चीज़ बताइए जिसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट फोकस हो सके कि आपसे कोई चीज़ पूछ सके, और कोई चीज़ बताइए इसके अलावा, कोई इंटरेस्ट आपका हो बुक्स पढ़ने का हो, अगर नहीं भी है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए कि मेरी बुक्स पढ़ने की हैबिट है, अगर आप नहीं है तो इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डाल लीजिए आज से। कोई किताब आपने पढ़ी है जो आपने इंस्पायर की हो?
सर मैंने एक अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ी थी। किसकी? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की जी। अच्छा, और कोई किताब आपने पढ़ी? मैं एक किताब आपको बता रहा हूँ, आप उसको इंटरव्यू जब भी होगा आप देख लीजिएगा उसको। कब आपका इंटरव्यू? 21 जनवरी। बहुत टाइम, आज तो नहीं कल। एक किताब आप जरूर ढूंढ लीजिएगा, उसका नाम है अग्नि की उड़ान। अच्छा। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। जी जी जी। हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, विंग्स ऑफ फायर। लेकिन हिंदी वर्जन लिख लीजिएगा अग्नि की उड़ान, APJ अब्दुल कलाम, जरूर खरीद लीजिएगा। और 4-5 घंटे उसको पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू के पहले, ठीक है? और जब SDM लग जाइएगा तो एक किताब और पढ़िएगा, उसका नाम है गार्ड्स ऑफ करप्शन। एक सीनियर IAS मैडम है प्रमिला, हस्बैंड वाइफ दोनों, वो इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर हैं दिल्ली में, रिटायर हो गए यहाँ से। लेकिन उन्होंने 38 साल की नौकरी की, किसी जिले का उनको DM नहीं बनाया गया था। वीमेन एम्पावरमेंट की बात मैंने इसीलिए आपसे कही है। हस्बैंड वाइफ दोनों IAS, ये दो किताब जरूर पढ़िएगा, दूसरी किताब SDM बनने के बाद और पहली किताब कल से, ठीक है? ये बताइए, कोई ऐसी बर्निंग समस्या हो आज के टाइम में जिससे समाज बहुत चिंतित हो रहा हो, आप भी चिंतित हो रही हो कभी कभार? सारी इस सवाल का जवाब देने में इतना समय इसे नहीं लगना चाहिए कि आप उसी विभाग में काम भी कर रहे हैं। जी सर। है बेटे, इतना तो इसको तो क्विक आपको जवाब इसका देना चाहिए था। सबसे बड़ी जो समस्या आज की तारीख में जो है देश में, जिसको लेकर तमाम लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, कोई कहता हमें देश से डर लग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस सवाल का जवाब तो आपको इमीडिएट देना चाहिए था, और विभाग से जुड़ी हुई आप। हाँ सर, वो तो सही है सर। फिर ऐसा तो है कि मुझे देख के तुम घबरा रहे हो कि भाई मैं ऐसा तो कुछ नहीं है ना? फिर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताओ? एक तो ये मैंने आपको बता दिया जी, ये प्रॉब्लम है जी सर। तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है, क्यों, क्या आप महसूस करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर इसके पीछे रीजन मुझे ये लगता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको रोक के फिर कह रहा हूँ, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप उस पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई हैं जी। बताइए सर, इसके पीछे मुझे जो रीज़न समझ में आता है वो ये कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का है, क्योंकि पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब चाहे उसको वोट बैंक कह लिया जाए या जो भी हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, और किसी भी कोई मुद्दा जो कि सिंपली सॉर्ट आउट हो सकता है उसको बयानों के थ्रू और तमाम तरीके की ऐसी बातें करके उसको बहुत इस तरीके से बना दिया जा रहा है। फ्लेयर अप किया जा रहा है जी। कम्युनल हार्मोनी के लिए क्या चीज़ आप जरूरी मानती है? अपने विभाग में काम कर रही हैं आप, वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं आप, आपको इतने दिनों में अनुभव हुआ होगा कि अगर आपको कम्युनल हार्मोनी का एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करके और आप उसका डायरेक्टर लगा दिया जाए, और ये कार्य भी आप SDM होने के साथ ही भी आपको देखना है, तो आप कौन से स्टेप उठाएंगे कि कम्युनल हार्मोनी क्रिएट हो और इस तरह की सिचुएशन है इंटॉलरेंस? सर कम्युनल हार्मोनी क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि जो ये चाहे किसी भी धर्म में हो, या चाहे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, जो ये कुछ प्रीस्ट टाइप के लोग सोसाइटी को एक तरीके से कहा जाए तो डोमिनेट कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा तबका जो कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन लोगों पे थोड़ा पकड़ बनाने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, या जैसे जो कि धर्म की जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें भी हैं, सारे धर्म में लगभग एक जैसी बातें कही गई हैं और हारमोनी की बात सारे धर्मों में कही गई है, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिसकी वजह से इसका रीज़न क्या है जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, उसके पीछे और भी कोई कारण है? सर गलत तरीके से पेश करने का उनका इंटेंशन आई थिंक ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपने धर्म या अपनी कम्युनिटी के लोगों के।
के लिए, उनको लगता है कि जो सामने वाले कम्युनिटी के लोग हैं या सामने वाला जिस मोहल्ले में या जिस इलाके में अगर कोई किसी एक कम्युनिटी जैसे ए और बी मान लीजिए कहीं ए डोमिनेट कर रही हो और बी कमजोर है तो बी इनसिक्योर फील करता है, जहाँ बी डोमिनेट कर रही है तो ये तो एक कॉमन फेनोमेना है जी, ये दोनों में कॉमन है। हाँ सर, दोनों में कॉमन है। तो एक ऐसा फैक्टर बताइए कि जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, एक शब्द बताइए। इसका जवाब ये है ट्रस्ट डेफिसिट। ये एक टर्म है, इसको याद करिएगा, ट्रस्ट डेफिसिट मतलब विश्वास की कमी। हाँ, विश्वास का घाटा, विश्वास की कमी है। और अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिकवर करने के लिए किसी की जरूरत है CBM की। CBM का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हैं, व्हाट एवर यू कैन दैट यू शुड डू, जो भी आप कर सकते हैं, जो सोसाइटी के दोनों तरफ के लोग हैं या और भी तमाम सोसाइटीज़ के जो सरगना हैं, लीडर हैं या जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, उनको बुला के आप उनकी एक मीटिंग करिए और पैचअप करिए। भाई ये सभी लोग, ये सभी का जो जन्म हुआ है उस किसी भी मजहब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई आप किसी से नफरत करिए, किसी से बैर करिए, किसी को गोली मारिए या कुछ भेड़ा फैलाइए। सबके मजहब में आपसी भाईचारे की ही बात है, तो क्यों नहीं मिलके हम ये काम करें। तो आप उनको कितना बेटर कन्विंस कर सकती हैं, ये आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये बताइए उत्तरी कोरिया का नाम सुना है आपने? कुछ पढ़ा उसके बारे में, कोई जानकारी आपको थोड़ी बहुत? सर अभी उत्तर कोरिया और USA का कुछ चल रहा था, एक्चुअली नॉर्थ कोरिया के डायलॉग्स बहुत दिन से, आई एम नॉट वेरी श्योर, उसको पढ़ लेना बेटा, प्लीज गो थ्रू। 2+2 डायलॉग के बारे में सुना है आपने? हाईवे बांध थ्रू जी सर, क्या है सर 2+2 डायलॉग? दो कंट्रीज के बीच, एक तो RBI के गवर्नर, वित्त मंत्री, अरे नहीं बेटा, ये अमेरिका और भारत के बीच में एक वो हुआ है 2+2, ये जियो स्टेट भू राजनीति से जुड़ा हुआ ये डायलॉग है और इसमें एक समझौता हुआ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलेगी जिसको पेंट्रेट कर पाना या भेद कर पाना किसी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैंने तुमको एक समराइज कर भी बताया, ठीक है। टेररिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, आतंकवाद के बारे में? टेररिज्म एक इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है जो कि सभी देशों के लिए मतलब उतनी ही प्रॉब्लम है लगभग, और किसी देश की के लिए बाहर से एक खतरा है ये, मतलब अपने टेररिस्ट जो होते हैं वो अपनी बातों को या अपनी शर्तों को मनवाने के लिए आतंक का सहारा लेते हैं, और आतंक का सहारा लेके वो अपनी गवर्नमेंट पे, सरकारों पे दबाव डालते हैं जिससे उनकी बात को माना जा सके। अच्छा, ये आप बताइए कि ये जो इतने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, खबर रोज आप टीवी में आप देखते हैं, सुनते होंगे अखबारों, अक्सर आतंकवादी जब आप देखिए आज इतने आतंकवादी पुलवामा में मारे गए, जम्मू में मारे गए, पठानकोट में मारे गए, दुनिया भर की खबरें आती है, ये मारे भी जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, इसके पीछे क्या लगे? सर एक बहुत बड़ा सेटअप उनका काम कर रहा है और इतनी जल्दी इतनी आसानी से ख़त्म कर पाना मुश्किल है उनके लिए, उनको तो हालांकि गवर्नमेंट सारी स्टेट जो भी हैं वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड्स हैं या फिर जो वो चाहते हैं। आप थोड़ा सा सवाल को बैठे पेशेंसली सुनिए, मैंने ये कहा कि इतने आतंकवादी मारे जा रहे हैं फिर भी आतंकवादी कम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तो पेंट्रेट करिए, डाइवर्सिफाइड करिए इसको, थोड़ा सा और ले जाइए कहाँ से, ये इसके रूट्स पर जाइए आप थोड़ा सा। भाई इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड है, 50 यहाँ मारे जाते हैं तो 100 वहाँ से फिर अंदर घुसा दिए जाते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो कम कैसे होंगे? ये स्पॉन्सर्ड है, ये टेररिज्म स्पॉन्सर्ड है।
प्रायोरिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और प्लस टू में साइंस भी था उनके पास जी। अच्छा, हाइबरनेशन का नाम सुना है आपने? हाइबरनेशन सर सुना तो है, नहीं सुना, नाम ही सुना है। अच्छा, नाम ही सुना है। मेढक का नाम सुना? हाँ सर। मेढक कुछ दिनों के लिए जाड़े में वो अंदर चला जाता जी, है जी, जी, और उस बीच वो अपने अंदर निखाने की चीज़ें रखता है, उसकी एनर्जी होती है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो पीरियड हाइबरनेशन का पीरियड होता है। ये जूलॉजी का वर्ड है ये। मैंने भी बीएससी किया है, एडिड माई बीएससी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पैदा होने के 20 साल पहले मैंने किया होगा, तो मुझे याद थोड़ा सा आया साइंस का सुन के। शामिल आपका एक वैकल्पिक विषय